الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. السلام عليكم ستوڈنٹس اینڈ ہائی ویورز, آپ کو آئی ٹی نالج سیکر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. میں ہوں محمود الحسن, لیکچرر ان کمپیوٹر سائنس. آج ہم اینڈرائڈ ایپ ڈیولپمنٹ میں ٹیکسٹ ویو اور اسکرول ویو کو ایکسپلور کریں گے. टेक्स्ट व्यू फॉर टेक्स्ट. टेक्स्ट व्यू इज अ व्यू सब क्लास फॉर सिंगल एंड मल्टी लाइन टेक्स्ट. यानी हम सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए और मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट व्यू को यूज करेंगे. और बेसिकली ये सब क्लास है व्यू क्लास की. एडिट टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट व्यू सब क्लास विद एडिटेबल टेक्स्ट. जो टेक्स्ट व्यू है इसको हम एडिट नहीं करते, व्यू के लिए यूज, डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं. एडिट टेक्स्ट जो है ये सब क्लास है टेक्स्ट व्यू की और ये एडिटेबल है. नॉर्मली यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं एडिट टेक्स्ट को. कंट्रोल विद लेआउट एट्रीब्यूट्स, लेआउट एट्रीब्यूट्स के जरिए हम इसको कंट्रोल करते हैं. सेट टेक्स्ट स्टैटिकली फ्रॉम स्ट्रिंग रिसोर्स इन एग्जाम्पल. अगर हमने स्ट्रिंग रिसोर्स स्टैटिकली टेक्स्ट असाइन करना है, सेट करना है, तो हम एक्सएमएल फाइल के अंदर कर सकेंगे इसको. और अगर हमने इसको डायनामिकली रन टाइम पे चेंज करना है टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट के टेक्स्ट को, तो फिर हम जावा कोड का यूज करेंगे. फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन स्ट्रिंग रिसोर्स. स्ट्रिंग रिसोर्स के अंदर जब हम टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग के लिए HTML टैग यूज कर सकते हैं, ठीक है. बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस सेमेस्टर वेब डेवलपमेंट, तो उसमें HTML आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है. तो ऑल अदर HTML टैग्स आर इग्नोर्ड. इसमें यानी फॉर्मेटिंग में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये हम यूज कर सकते हैं. बाकी जो HTML, बाकी जो HTML टैग्स हैं उनको इग्नोर करने. स्ट्रिंग रिसोर्सिस वन अनब्रोकन लाइन इज इक्वल टू वन पैराग्राफ. यानी स्ट्रिंग के अंदर एक जो एक लाइन जो है जब हम ब्रेक करते हैं तो बेसिकली वो एक नेक्स्ट नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है. बैक स्लैश एन स्टार्ट अ न्यू लाइन और पैराग्राफ. बैक स्लैश एन स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर. सी प्लस प्लस में जावा में ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं, तो बैकस्लैशन जो है वो यूज कर सकते हैं न्यू लाइन और न्यू पैराग्राफ के लिए. स्केप अस्ट्रोफ एंड कोट विद बैकस्लैश. अगर हमें सिंगल कोट यूज करना है कहीं डिस्प्ले के लिए, प्रिंटिंग के लिए स्ट्रिंग के अंदर, तो हम उसको स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के साथ यूज करेंगे. ये भी ऑलरेडी आप जानते हैं. इसके अलावा अगर हमने कोई नॉन आस्की कैरेक्टर करना है स्ट्रिंग के अंदर यूज, तो हम उसको बैक स्लैश के साथ यूज करेंगे. क्रिएटिंग टेक्स्ट व्यू इन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के अंदर हम टेक्स्ट व्यू का टैग है. जब हम टेक्स्ट व्यू का टैग लिखेंगे तो साथ ही प्रॉपर्टीज आना शुरू हो जाती हैं. मतलब आप यानी जो भी कैरेक्टर प्रेस करते हैं पहला, उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्प्ले हो जाती हैं और फिर आप उनको अपनी जरूरत के मुताबिक यूज कर लेते हैं. आगे जो है इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस होंगी. कॉमन टेक्स्ट व्यू एट्रीब्यूट्स. टेक्स्ट व्यू की जो प्रॉपर्टीज जो कॉमन है, जो एट्रीब्यूट्स वो है, एक टेक्स्ट जो डिस्प्ले होना है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट टू डिस्प्ले. कल के प्रोग्रामिंग में प्रीवियस अभी हमने एक ऐप बनाई थी, उसमें हमने टेक्स्ट व्यू को यूज किया था, एडिट टेक्स्ट को भी यूज किया था. तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट को डिस्प्ले, टेक्स्ट कलर, अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट अपीयरेंस, इसमें थीम स्टाइल पहले से डिफाइंड है, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट साइज इन ASCII, स्केलेबल पिक्सल, ये बेसिकली एंड्रॉइड यूनिट ऑफ मेजर्स, ये एक लहजा से हम इंशाल्लाह लेक्चर में कवर करेंगे. तो उसके बाद
textile normal bold italic, typeface normal sans serif or monospace, और line spacing extra. तो ये कुछ common properties जो हम use करते हैं text view की. formatting active web links. अच्छा ये string है, अब string के अंदर इसका name की एक property है, name property article underscore text, और ये का article है basically string के अंदर अमेरिका, उसमें एक web link है. वेब को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑटो लिंक इज इक्वल टू एंड्रॉइड कॉलर, ऑटो लिंक इज इक्वल टू वेब. इसी के से इसकी वैल्यू वेब हो सकती है ऑटो लिंक की, ईमेल, फोन, मैप. और डोंट यूज एचटीएमएल फॉर वेब लिंक इन फ्री फॉर्म टेक्स्ट. क्रिएटिंग टेक्स्ट इन जावा कोड. इसमें टेक्स्ट व्यू का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, न्यू टेक्स्ट व्यू दिस. अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो प्रॉपर्टीज हम एक्सएमएल के अंदर सेट करते हैं वो यहाँ पे हमारे पास मेथड की सूरत में अवेलेबल है, ठीक है. तो हम उसकी विड्थ, हाइट, मिनिमम लाइंस, सेट टेक्स्ट, एग्जाम्पल में हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं, सेट टेक्स्ट मेथड के थ्रू हम टेक्स्ट जो है सेट कर सकते हैं. तो ये जो है ये बेसिकली हम जब हम जावा कोड के थ्रू एक्सेस करते हैं टेक्स्ट व्यू को, तो बेसिकली हम रन टाइम पे उसको चेंज कर रहे होते हैं, रन टाइम के अंदर उसके अंदर चेंज कर रहे होते हैं. स्क्रॉल व्यू, व्हाट अबाउट लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, न्यूज स्टोरीज, आर्टिकल, to scroll a text view, embed it in a scroll view. यानि text view को हमने किस में embed करना है, scroll view. Only one view element usually text view allowed in scroll view. Scroll view के अंदर normally एक element होता है view element, लेकिन multiple element हो सकते हैं. To scroll multiple element use one view group. अगर हमने multiple elements उसमें स्क्रोल करना चाह रहे हैं या रखना चाह रहे हैं मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए, फिर हमें उसके अंदर व्यू ग्रुप को यूज़ करना पड़ेगा, यानी लीनियर लेआउट वगैरह या कोई लेआउट यूज करना पड़ेगा विद इन स्क्रोल व्यू. स्क्रोल व्यू इज सब क्लास ऑफ फ्रेम लेआउट. फ्रेम लेआउट की सब क्लास है स्क्रोल व्यू. होल्ड ऑल कॉन्टेंट इन मेमरी, नॉट गुड फॉर लॉन्ग टेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लेआउट. डू नॉट नेस्ट मल्टीपल स्क्रोलिंग व्यू, यानी स्क्रोल व्यू के अंदर स्क्रोल व्यू को यूज ना करें. हॉरिजेंटल स्क्रोल व्यू फॉर हॉरिजेंटल स्क्रोलिंग, और रिसाइक्लर व्यू फॉर लिस्ट. लिस्ट के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, रिसाइक्लर व्यू. अब ये स्क्रोल व्यू है, ठीक है. स्क्रोल व्यू के अंदर देखेंगे हमने एक टेक्स्ट व्यू यूज किया है, ठीक है, स्क्रोल व्यू और टेक्स्ट आर्टिकल. टेक्स्ट व्यू को हमने एम्बेड कर दिया स्क्रोल व्यू के अंदर. तो अब जब क्योंकि हमारा टेक्स्ट जो आर्टिकल है वो स्क्रीन साइज से बढ़ जाएगा तो स्क्रोल हमें नजर आ रहा होगा. अच्छा, जब मल्टीपल, हमने कहा था कि जब हमारे पास मल्टीपल व्यूज होंगे तो फिर हमें व्यू ग्रुप के अंदर उन्हें देना पड़ेगा. ये स्क्रोल व्यू के अंदर देखें, स्क्रोल व्यू के अंदर पहले हमने लीनियर लेआउट व्यू ग्रुप लिया, और व्यू ग्रुप के अंदर मल्टीपल जो है व्यूज हैं, यानी कि स्क्रोल व्यू के अंदर लीनियर लेआउट, ये व्यू ग्रुप, फिर डिफरेंट व्यूज आ गए. तो स्क्रोल व्यू, वन चाइल्ड ऑफ स्क्रोल व्यू विच कैन बी लेआउट. अब बेसिकली स्क्रोल व्यू के अंदर चाइल्ड एक ही है, और ये जो हैं ये बेसिकली चाइल्ड्स हैं लीनियर लेआउट के, चिल्ड्रन ऑफ द लेआउट. ओके, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.